आम लोगों के साथ ने किसानी संघर्ष को होर बल दिता है। पंचायत समिति बस्सी पठाणा के चेयरपर्सन बलजीत कौर का कहना है कि खेती कानून रद्द करवाने लिए सैकड़े लोगों वालों एसडीएम दफ्तर तक रोस मार्च कढ़िया गया, जिस की अगवाई विधायक गुरप्रीत सिंह उन्होंने धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर ने की। इस मौके इन्हों का कहना है कि खेती कानून रद्द करवाने लैके हुण तक 700 तो वध किसान शहीद हो चुके हैं, पर मोदी सरकार कूक नींद सुती पई है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਮਾਣੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, तद साडा देश आजाद नहीं सी, डेमोक्रेसी नहीं सी, उस टाइम भी गोरियां ने भी 9 महीने बाद रहम खा लिया सी, पर साडी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी साडे ते रहम नहीं खाए जा रहे। मैं हैरान है कि इहदे नाल तां मोदी नाल तां गोरे ही चंगे सी जिन्होंने 9 महीने बाद तां सुन लिया सी सानू वोट पाउण दा। देखो, कोई भी कानून बनता है वह पब्लिक लिए बनता है, क्योंकि जिहड़ी सरकार बनती है वह पब्लिक लिए बनती है। जब पब्लिक ही खुश नहीं, जब किसान ही खुश नहीं, तो उन्होंने किसानों की सुननी चाहिए ना गल की जब किसान बनाए हैं। आप देखो सरकार कौन बनाते हैं, लोग बनाते हैं। जब आप लोगों की सुनवाई नहीं करा तो फिर अगे जाके फिर लोग की उम्मीद रखेंगे, दसो। ये कोई राजरोग तो है नहीं भी जरा राजे महाराजा का भी भाई अपनी मर्जी ना जो मर्जी कर जाए, ये डेमोक्रेसी है। सो हर बंदे नू राइट है कि अपने हक लिए लड़े। सो मैं मोदी साहब नू बेनती करती हाँ कि वह जल्द तो जल्द एक कानून वापस लेन ताकि जेडे किसान है उत्थे बैठे है भाईचारा अपना सारा वह इतने आके खुशहाल जीवन जी, क्योंकि तुहानू पता है अपनी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। जिवें कि एमएलए साहब ने भी किया है कि अज तक 50 साल पंजाब ने अपना अन्न दिता है पूरे देश नू, हर जगह अपना अन्न है, सब तो अन्न दाता है, क्योंकि जिन्ना ग्रीन रेवन्यू साढ़े इतने ग्रीनरी है कितने भी नहीं है। तुहानू पता है साड़ी फसल इतने हर फसल होंगी है, हर तरह की फसल होंगी, गन्ना इतने होंगे, कणक इतने होंगी, चावल इतने होंगे, अपने केड़ा नहीं होंगे। सो ये सोचना चाहिए कि पंजाब बारे हरियाणा बारे हूँ तो चलो सारे कितने स्टेटा च हो रहे हैं, पर असी बेनती जी जिहड़े तुसीं कानून देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।